इस वीडियो में मैं आपको व्हाइल लूप के बारे में बताऊंगा। पाइथन में दो टाइप के लूप होते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप। पाइथन डू व्हाइल लूप को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हम उसको खुद से बना सकते हैं। तो व्हाइल लूप की तरफ मूव करते हैं। जो व्हाइल लूप होता है वो स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है ये लूप ब्रेक कर जाता है या हम इससे बाहर निकल आते हैं। लेट सपोज आई इज इक्वल टू, इसको वन से इनिशियलाइज करते हैं, आई इज इक्वल टू वन व्हाइल आई इज लेस देन फाइव। आई की वैल्यू प्रिंट करवाते जाते हैं हम, प्रिंट आई, और आई में इंक्रीमेंट कर देते हैं ताकि हमारी जो कंडीशन है वो कहीं पर जाकर फॉल्स हो और हम लूप से बाहर आ सकें। इज इक्वल टू आई प्लस वन, रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वन से लेकर फोर वैल्यू प्रिंट हो चुकी हैं। पहले उसने आई की कंडीशन चेक की, आई की वैल्यू वन थी स्टार्ट में जो कि फाइव से लेस थी, ये वाला वन प्रिंट हो गया है और आई में एक उसने इंक्रीमेंट कर दिया है, आई अब टू हो चुका है। नेक्स्ट वो कंडीशन चेक करेगा, आई यहाँ पे अब टू है जो कि फाइव से लेस है, तो कंडीशन फिर टू होगी। चूँकि आई की वैल्यू अब टू हो चुकी है तो टू प्रिंट करवा देगा। इसी तरह थ्री फोर ये प्रिंट हो जाएगा। फोर पर जाकर यहाँ पर फोर प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू यहाँ पर फाइव हो जाएगी, और फाइव जो है वो लेस नहीं है बल्कि इक्वल टू फाइव है। कंडीशन फॉल होगी और हमारा जो व्हाइल लूप वो ब्रेक हो जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम आई इज इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू फाइव करते हैं तो ये फाइव तक प्रिंट कराएगा वैल्यू, क्योंकि आई जब फाइव होगा तो तब भी ये कंडीशन ट्रू होगी और यहाँ पर यहाँ तक ये वाली जो स्टेटमेंट है ये रन हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं हमने ये चेंज किया, आई इज लेस देन इक्वल टू कर दिया तो फाइव तक प्रिंट हो चुका है। सिमिलरली हम ब्रेक एक कीवर्ड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि इफ़ कंडीशन के साथ हम यूज़ करते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक कर जाए, उससे हम बाहर आ जाएं। ब्रेक को ट्राई करते हैं, इफ़ आई इज इक्वल टू थ्री देन ब्रेक। सॉरी आई फॉरगॉट टू पुट कॉलन। तो आप देख सकते हैं कि अब वन से लेकर थ्री प्रिंट हुआ है, क्योंकि इफ़ पे जाकर कंडीशन थ्री इज इक्वल टू, जब आई की वैल्यू थ्री होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। सिमिलरली एक और कीवर्ड है वो है कंटिन्यू का, वो ये करेगा कि जिस कंडीशन में वो आएगा या जिस कंडीशन में ट्रू होगा उस कंडीशन में वो वाला व्हाइल का लूप जो एक आइट्रेशन है वो स्किप हो जाएगी। कंटिन्यू अर्ली हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ब्रेक तो ये करता है कि हमारा जो लूप उससे हम बाहर आ जाते हैं, जबकि कंटिन्यू ये करेगा कि हम जो करंट आइट्रेशन है उसको स्किप कर देंगे, नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव कर जाएंगे कंटिन्यू। लेकिन इसके लिए हमें जो इंक्रीमेंट है इसको कंडीशन से पहले रखना पड़ेगा, वरना ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। और प्रिंट को हम ले आते हैं कंडीशन के बाद। तो आप देख सकते हैं कि जो थ्री है वो यहाँ से स्किप हो चुका है, क्योंकि जब आई की वैल्यू थ्री थी तो हम प्रिंट स्टेटमेंट पे मूव नहीं किया हमने, बल्कि हमने इस जो आइट्रेशन को स्किप कर दिया और नेक्स्ट आइट्रेशन उस पर हम मूव कर गए। और जो आई की वैल्यू वन वो इसलिए प्रिंट नहीं हुई क्योंकि जो इंक्रीमेंट है वो
लूप के स्टार्ट में ही लग चुका था, तो आई की वैल्यू स्टार्ट में ही 2 हो गई और हमारे पास जो 2 है वो प्रिंट हुआ। तो इस वीडियो में हमने वाइल लूप के बारे में सीखा और उस पे 2 स्टेटमेंट्स ब्रेक और कंटिन्यू कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं ये सीखा हमने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।